हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी क्या, आभासिक तर्क शक्ति। इसके हमने दो चैप्टर खत्म कर लिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और रीजनिंग चैप्टर के नाम से दोनों चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम इसका तीसरा चैप्टर देखेंगे। तीसरा क्या है, श्रृंखला, यानी क्या, सीरीज। इसमें क्या है, सीरीज में भी हमें क्या है, आकृति वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। क्या है, इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है प्रथम भाग, दूसरा होता है द्वितीय भाग। प्रथम भाग में प्रश्न आकृतियाँ होती हैं, दूसरे भाग में उत्तर आकृतियाँ होती हैं। प्रश्न आकृतियों में 3, 4, 5 आकृतियाँ होती हैं। जो प्रश्न आकृति होती है ऊपर होती है, उसमें 3, 4, 5 आकृतियाँ होती हैं, उनमें से हमें उत्तर आकृति, उसी के बेस पर उत्तर आकृति निकालना है। कैसे, फर्स्ट आकृति में परिवर्तन करके दूसरी आकृति बनती है, दूसरी आकृति में परिवर्तन करके तीसरी आकृति बनती है, तीसरी आकृति में परिवर्तन करके चौथी आकृति बनती है, चौथी आकृति में परिवर्तन करके पांचवी आकृति बनती है। ऐसे ही क्रम आगे चलता रहता है, कितने भी आकृतियां हो क्रम ऐसे ही चलेगा। आगे क्या है, प्रत्येक आकृति में निश्चित नियमानुसार या क्रमबद्ध परिवर्तन होता है। निश्चित नियमानुसार यानी जो फर्स्ट आकृति में परिवर्तन होगा, वही सारे जितने भी आकृति होंगी सब में वही परिवर्तन होगा। इसी परिवर्तन के आधार पर उत्तर आकृतियाँ निकालना होता है। जो परिवर्तन हमने करा है फर्स्ट आकृति में, वही सेकंड में, वही थर्ड में, ऐसे ही परिवर्तन आगे चलता रहता है, उसी के बेस पे उत्तर आकृति निकालना होता है। क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्नों के प्रकार कुल 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कैसे, संख्याओं के आधार पर परिवर्तन। क्या होता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो संख्याओं के आधार पर परिवर्तन होता है। जो हम लास्ट में निकालते हैं तो क्या होता है, उसमें संख्याओं के आधार पर परिवर्तन। उसमें क्या होता है, एक तो होता है आकृतियों की संख्या में परिवर्तन। आकृतियों की संख्या में परिवर्तन कैसे होता है, कभी आकृति बढ़ती हैं, कभी आकृतियाँ क्या होती हैं, घटती हैं। और दूसरा क्या होता है, आकृतियों की भुजाओं की संख्या में परिवर्तन। आकृति की जो भुजा होती है, भुजा क्या होती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, इसके बेस पे हमें आंसर निकालना होता है। आकृतियों के घूर्णन के आधार पर, आकृतियों के क्या होता है, घूर्णन मतलब क्या होता है, घूमने के बेस पे क्वेश्चन होता है। घूमना कैसे होता है, दक्षिणावृत्त या वामावृत्त, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना। आकृतियों की स्थिति में परिवर्तन, आकृतियों की स्थिति में परिवर्तन होता है। कभी आकृति इधर घूम रही होती है फिर क्या होती है, इस दिशा में, यानी ऐसे आकृति इधर घूम रही होती है फिर इधर घूम जाती है, तो आकृतियों के स्थिति परिवर्तन से संबंधित। रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन, रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन, इसमें क्या होता है, रूप और आकार दोनों का परिवर्तन होता है, उसके बेस पे क्वेश्चन होते हैं। अब एक एक करके सारे के सारे टाइप देखते हैं, जिसमें पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है संख्याओं के आधार पर परिवर्तन। इसमें क्या है, संख्याओं के आधार पर परिवर्तन, इसमें दो होता है। पहला क्या है, इसमें आकृति की संख्या में परिवर्तन। क्या है, आकृति की संख्या में परिवर्तन, इसमें क्या है, संख्या में परिवर्तन। संख्या मतलब क्या, संख्या बढ़ना या घटना। अगर इसमें देखें अगर हम, तो यहाँ क्या है, स्टार्टिंग में है एक, एक एक तीर है, इसके बाद फिर क्या हुआ, एक तीर इधर और एक इसका उल्टा, यानी दो तीर हो गए, संख्या में दो बढ़ गए और दोनों क्या है, उल्टा, यानी एक इधर था और एक इधर हो गया। अब इसमें देखें तो एक इधर और एक इधर हो गया, तो बढ़ कैसे रहा है, एक तो संख्या बढ़ रही है और इनका जो ये व्युत्क्रम यानी उल्टे में बढ़ रहा है, एक तो इधर है एक इधर, फिर इसके बाद एक दो, सेम ऐसे हो गए, एक और बढ़ गया इसमें तीन, फिर इसमें एक दो तीन, यहाँ तक तो सेम है, फिर इसके बाद एक इधर बढ़ा था, अब दूसरा इधर बढ़ेगा, चार हो गए, फिर इसके बाद एक दो तीन चार, चार तक तो सेम है, फिर एक इधर बढ़ा था, अब दूसरा किधर बढ़ेगा, इधर की साइड, इसका ये तीर का निशान ऐसे होगा। अब जो इसके लास्ट वाला यानी इसके बाद वाला बनेगा वो क्या होगा, यहाँ तक तो सेम होंगे पाँच, एक तो ऐसे होगा एक, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसके बाद जो आएगा एक तो इधर हुआ है, अब छठा क्या होगा, इधर की साइड होगा, तो ऐसा हमें दिखेगा। ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो सी हो गया हमारा सही। अब फर्स्ट पार्ट का दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरा टाइप क्या है,
यानी फर्स्ट टाइप का दूसरा पार्ट देखते हैं। ये क्या है? आकृति की भुजाओं की संख्या में परिवर्तन। क्या है? आकृति की भुजाओं की संख्या में परिवर्तन। इसको अगर हम देखें यहाँ, तो यहाँ कितनी भुजाएं हैं? एक और दो। इसमें कितनी? दो भुजा। फिर इसके बाद कितनी हो गई? एक दो तीन। यहाँ दो भुजा थी, यहाँ हो गई तीन। इसके बाद इसमें कितनी है? चार भुजा। एक दो तीन चार। तो यहाँ क्या आएगा? पांच भुजाओं वाली आकृति आएगी। तो पांच भुजाओं वाली आकृति कैसी होती है? ऐसी। ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? यह दिख रहा है बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। आपने इसको भी बहुत ही आसानी से समझ लिया। क्या था इसमें? इसमें आकृतियों की संख्या बढ़ रही थी। क्या थी? संख्या का बढ़ना या घटना, इसके बेस पे सीरीज होती है। तो इसमें क्या है? संख्या बढ़ रही थी। तो यहाँ चार थी, इसके बाद आएगी पाँच। तो बी हो गया हमारा सही। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है आकृतियों के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन। घूर्णन मतलब क्या होता है? कि आकृतियों के घूमने के बेस पे क्वेश्चन। घूमती कैसे है आकृतियाँ? जैसे ये क्या हो गया? गोला। एक तरह से जैसे गोला है, इसमें क्या है? ये सारे के सारे 45-45 डिग्री के एंगल होते हैं। कितने के होते हैं? सारे 45 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, आकृति कैसे घूमती है? एक तो घूमेगी क्लॉकवाइज, और क्या घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्या? दक्षिणावृत्त और वामावृत्त। घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में दो तरह से ही आकृति घूमती है। तो देखते हैं कैसे घूमी हुई है। अगर इसको हम देखें, यह पहले ऐसी थी, यानी ये इसका ऊपर था, और ये घूम के क्या आ गया? यहाँ नीचे आ गया। तो अगर यह ऐसे घूमती है, जैसे ये ऊपर है, अगर यहाँ से यह घूम के यहाँ आ जाए, तो कितना होगा इसमें? यानी कि कितना होगा इसमें? दो बार 45 का होगा। एक तो 45 यहाँ, एक 45 यहाँ। यानी कि 45 और 45 यहाँ तक आएगी, तो 90। अगर ऐसी आकृति बनती तो 90 होता। लेकिन ये क्या है? ये यहाँ है। ये वाली आकृति जो आई है, ये घूम के कैसे आ गई? यहाँ से यहाँ आ गई है। तो 45 इसमें और ऐड हो गया। यह कैसे घूम रही है? वामावृत्त घूम रही है। वामावृत्त यानी क्या? घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में कितना? 135 डिग्री घूम रही। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, तो 135 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से क्या है? घूम के इधर इस वाले डायरेक्शन में आ गई है। तो 135 डिग्री का रोटेशन, यानी 135 डिग्री का घूर्णन हुआ है इसमें। यह आकृति बाएँ साइड यानी घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम गई है। तो इसकी आकृति ऐसी बन गई। अब ये वाली आकृति यहाँ से घूमी है 135, तो ये वाली यहाँ आ गई है। इसको हम देख के चल रहे हैं, तो ये हो गई यहाँ। फिर इसके बाद यहाँ से 135 डिग्री घूमी, तो ये क्या हो गई? ऐसे। अब यहाँ से 135 डिग्री घूमेगी तो कैसे हो जाएगी? जैसे अभी ये है यहाँ, तो यहाँ से घूमेगी तो क्या हो जाएगी? यहाँ तक आएगी 45 डिग्री, फिर यहाँ आएगी 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ आएगी 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या? ये वाली आकृति ऐसी हो जाएगी। तो जब ऊपर वाली ऐसी हो जाएगी, तो नीचे वाली क्या हो जाएंगी? नीचे वाली इधर हो जाएंगी। तो ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? यह दिख रहा है हमें सी ऑप्शन में। तो सी हो गया हमारा सही। आकृतियों का घूर्णन आपको समझ आ गया होगा कैसे। एक तो वामावृत्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, एक दक्षिणावृत्त यानी ये क्या है? दक्षिणावृत्त या घड़ी की दिशा में होता है, यानी क्लॉकवाइज। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। दो ही डायरेक्शन में घड़ी, मतलब दो ही डायरेक्शन में आकृतियां घूमती हैं। आपने इसको बहुत ही अच्छे से देख लिया। इसका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया सही। अब तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप क्या है? आकृतियों की स्थिति में परिवर्तन। इसमें क्या होगा? आकृतियों की स्थिति में परिवर्तन। आकृति की स्थिति में परिवर्तन कैसे होता है, उसे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके ऑप्शन भी दिख रहे होंगे ए बी सी डी। तो उसमें से हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। जैसे हमने दो क्वेश्चन देखे हैं ऊपर के दो टाइप, वैसे इसे भी यहाँ क्या आएगा बताना है। तो क्या है इसमें? अगर इसमें हम देखें, तो इस वाली आकृति से इसमें, अगर इस वाली आकृति से देखें इसमें, तो क्या चेंज हुआ है इसमें? इसको देखें तो यह पलट गया है, और इसको देखें तो यह भी पलट गया है, और इसको देखें तो यह सेम है। यानी इसको अगर इसको देखें तो ये सेम है, और ये सारे पलट गए हैं। फिर इससे आगे चलें तो आगे क्या है? आगे ये वाला सेम है, और सारे के सारे पलट गए हैं। अगर इसको और इसको देखें पलट गया, इसको देखें तो ये भी पलट गया है, इसको देखें तो यह भी पलट गया। तो इसका मतलब क्या है? दक्षिणावृत्त जाने पे एक आकृति को छोड़कर और शेष तीन आकृतियाँ पलट जा रही हैं। कैसे? जैसे अगर यहाँ से हम देखें, तो यहाँ से गए अगर यहाँ, तो ये तो सेम है, लेकिन इसके बाद दक्षिणावृत्त में आए, दक्षिणावृत्त में क्या है? एक आकृतियाँ, दक्षिणावृत्त में तीनों आकृतियाँ पलट रही। यह भी पलट गई, यह और यह तीनों पलट गई। इसके बाद चलें तो यहाँ से इधर आए दक्षिणावृत्त, यानी कि ये वाली अब सेम रहेगी, ये वाली सेम है,
इसके बाद जो आकृतियाँ वो पलटेंगी, तो यह भी पलट गई है, इसका मुँह इधर है अब इधर हो गया, यह भी पलट गई, इसका ऊपर है ये नीचे हो गया, इसका इधर है और ये इधर हो गया। तो क्या पता चला हमें कि दक्षिणावृत्त जाने पे एक आकृति को छोड़कर शेष तीन आकृतियाँ पलट गई। तो यहाँ तक पलट गई थी, अब इसके बाद ये वाली सेम रहेगी और सारी पलट जाएंगी। तो इसको हम रखते हैं सेम और इनको पलट देते हैं। इसका नीचे है तो ये हो जाएगा ऊपर, इसका इधर की साइड है तो ये हो जाएगा इधर, और ये क्या है, यह ऊपर है तो ये हो जाएगा नीचे, और ये बीच में डॉट है, तो ये वाली आकृति होगी। ये हमें जिस ऑप्शन में दिख रही होगी हो जाएगा हमारा सही। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिख रही है, ये दिख रही है ए ऑप्शन में, तो ए हो गया हमारा सही। इसमें क्या था, आकृतियों की स्थिति से परिवर्तन ये था, आपने इसको भी बहुत आसानी से देख लिया, ए ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब लास्ट टाइप देखते हैं, चौथा टाइप, ये क्या है, रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके चार ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। क्या है यहाँ बताना है कि यहाँ क्या आएगा, इसमें रूप और आकार के बेस पे क्वेश्चन को करना है। इसको अगर हम देखें तो जो इसकी थर्ड वाली आकृति है यहाँ पहले हो गई है, जो इसकी थर्ड वाली आकृति है यहाँ पहले आ गई है, और ये दोनों आकृतियाँ हैं ये एक साथ यहाँ आ गई है। और इसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ जो दोनों आकृतियाँ हैं ये और ये यहाँ ऐसे आ गई है। इनका कलर कैसे चेंज हुआ है, यानी रंग, ये कैसे इनका रंग बदला हुआ है, क्या है, यहाँ खाली है, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ क्या आ गई लाइन, और यहाँ लाइन वाली आकृति कैसे हो गई है खाली, और यहाँ पूरी रंगीन जो आकृति थी, सॉरी क्या है इसमें, अगर इसको हम देखें चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है, रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। यह क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है इसमें, इसमें हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या है, अगर इसकी जो थर्ड वाली आकृति इसको देखें तो यहाँ क्या हो गई है, यह फर्स्ट में आ गई है, या जो तीसरी आकृति है यहाँ पहले स्थान पर आ गई है, इसमें जो तीसरी आकृति यहाँ पहले स्थान पर आ गई है, तो इसमें भी जो तीसरी आकृति होगी वह पहले स्थान पर आएगी, और ये जो दोनों आकृतियाँ हैं स्टार्टिंग की ये दोनों यह ऐसे यहाँ आ गई हैं। यहाँ जो दोनों आकृतियाँ हैं यानी जो यहाँ दोनों आकृतियाँ यहाँ आएंगी यह आ गई, और ये जो अब जो तीसरी आकृति है ये पहले आएगी, और ये दोनों आकृतियाँ इसके बाद आएंगी। अब इनका देख लेते हैं कलर कैसे चेंज हुआ है। अगर यहाँ इसको देखें तो ये क्या है, इस वाली आकृति से बदल के ये वाली आकृति हुई है, तो इसका क्या है, यहाँ थी ये खाली, ये ब्लैंक है, इसके बाद क्या हो गई है रंगीन। और इसको देखें अगर ये लाइन वाली जो आकृति है यानी ये लाइन है, लाइन कैसे बदल रही है, लाइन क्या हो गई यहाँ खाली यानी ब्लैंक हो गई है। और इसको अगर देखें जो ये रंगीन है, रंगीन यह कैसे हो गई है, यह लाइन हो गई है। तो ऐसे ही हमें कलर को चेंज करना है। तो इसको देखते हैं, ये सबसे पहले आएगी ये वाली आकृति, तो इसको कर लेते हैं सबसे पहले, फिर इसके बाद ये दोनों आकृति आएंगी यानी ये गोला आएगा और ये वाली आकृति आएगी। अब कलर देख लेते हैं कलर कैसे चेंज हुआ है। यहाँ क्या थी, यह रंगीन यानी रंगीन से लाइन वाली, तो यहाँ आ जाएगी लाइन, जो रंगीन वाली आकृति हो गई लाइन में। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ जो ब्लैंक है, ब्लैंक से क्या हो रहा है यानी खाली से क्या हो रहा है रंगीन, तो ये वाली आकृति क्या हो जाएगी रंगीन, तो इसको कर देते हैं रंगीन, ये क्या हो गया रंगीन। इसके बाद क्या है, ये वाली आकृति इसको देखते हैं, ये क्या है लाइन वाली है, लाइन कैसे बदल रही है, लाइन हो गई खाली, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। ये ऑप्शन हमें किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें बी ऑप्शन में, तो बी हो गया हमारा सही, इसको ऐसे ही करना था। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। क्या है इसका निर्देश देख लेते हैं, पहले निर्देश क्या है, दिए गए प्रश्नों में एक समूह प्रश्न आकृतियों का है तथा दूसरा समूह उत्तर आकृतियों का है, प्रश्न यानी प्रश्न आकृतियाँ एक श्रृंखला में है, प्रसंकित स्थान पर या आगे आने वाली आकृति बताइए। क्या होता है क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन मार्क दिया होता है, वहाँ बताना होता है कि क्या आएगा, नहीं तो इसके आगे क्या आएगा यह बताना है। इसमें हमें क्या बताना है कि यहाँ क्या आएगा, इसके आगे हमें बताना है कि इसके आगे क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके ऑप्शन भी दिख रहे होंगे चार, उसमें से हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें, अगर इसको देखें तो यहाँ क्या है, तीन और दो पाँच आकृति है, यहाँ भी पाँच है, तो इसमें चेंज क्या हुआ है, यहाँ क्या है एक डॉट है, यह डॉट यहाँ ख़त्म हो गया है। फिर इसके आगे चलें तो यहाँ डॉट ख़त्म हो गया था, फिर इसके बाद ये तीर भी ख़त्म हो गया है। फिर इसके आगे चलें
तो ये पूरी लाइन ही ख़त्म हो गई। यहाँ पाँच थे, यहाँ तक, यहाँ क्या हो गया, चार, ही पूरी लाइन ही ख़त्म हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, फिर एक डॉट ख़त्म हो गया यहाँ, यहाँ जो एक डॉट है इसमें से, इन चारों में से, यानी इसमें से एक डॉट ख़त्म हो गया है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये तीर के आगे का निशान है यह ख़त्म हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, ये ऊपर के तो ये सेम होंगे, ये भी सेम होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसका ये जो आगे का पोर्शन है तीर का, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक ऐसी सिंपल लाइन हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, इसके आगे ये वाली आकृति आ जाएगी, यानी ये वाला शेप हमें दिखेगा। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, डी ऑप्शन में। तो डी हो गया हमारा सही, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस ये हमें एक डॉट है और इस तीर को देखना था। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है, निर्देश यही है, प्रश्न आकृति ये है, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें उत्तर आकृति चार दिख रही होंगी, ए बी सी डी, उसमें से बताना यहाँ क्या आएगा। तो ये सीरीज है, ये सीरीज क्या है, ऐसे चल रही है, इधर ऐसे सीरीज चल रही है, इसमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। इसको अगर हम देखें तो इसमें कितने हैं ये, यानी ये आकृतियों में कितने, इनकी संख्या आकृतियों की, एक दो तीन चार, चार आकृतियों की ये संख्या है, यानी इसमें चार आकृतियां हैं, त्रिभुज चार है। इसके बाद फिर ये क्या है, तीन आकृति वाली हो गई, एक दो तीन, तीन आकृति वाली हो गई। इसके बाद क्या है, दो आकृतियों वाली हो गई, एक दो, इसमें क्या हो रहा है, भुजाओं की संख्या बढ़ रही है। इसमें क्या है, तीन भुजाओं वाली आकृति थी, यानी त्रिभुज था, इसमें चार भुजाओं वाली, इसके बाद पाँच भुजाओं वाली आकृति, अब इसके बाद क्या आ जाएगी, छः भुजाओं वाली आकृति आ जाएगी। तो ये क्या हो गई, छः भुजाओं वाली आकृति आ गई। इसमें क्या हो रहा है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन आकृतियों की संख्या कम हो रही है। इसमें क्या थी, चार आकृति, फिर इसमें तीन, इसमें दो, इसके बाद इसमें आएगी एक आकृति। भुजाओं की संख्या बढ़ रही है, इसमें तीन भुजा थी, इसमें चार, इसमें पाँच, इसके बाद इसमें छः। तो ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे टाइप और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम कल देखेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।